जैसे ही पीएम मोदी ने रामलीला मैदान में ये दावा किया कि हमने कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनवाए हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की बाढ़ आ गई है जिनमें तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि डिटेंशन सेंटर की ये तस्वीरें हैं और उनमें बाकायदा लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एक सोशल मीडिया पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, हज़ारों में इस तरह की पोस्ट शेयर हो रही हैं। इसमें लिख रहे हैं, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, इसमें लिख रहे हैं ये हुसैन अली, ये तस्वीरें आसाम के डिटेंशन सेंटर की हैं जहां इंसानों को भेड़ बकरियों से बदतर हालत में रखा गया है। ये जालिम हुकूमत हम करोड़ों मुसलमानों को NRC और CA जैसे काले कानून का सहारा लेकर ऐसे ही डिटेंशन सेंटर में मारना चाहती है। इन तस्वीरों को देख के हम लोगों को लिए कितना ज़रूरी है इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करने की, और हमें एहतजाज तब तक होना चाहिए जब तक दोनों कानून ख़त्म नहीं किए जाते। लड़ाई हम लोगों के वजूद की है। ये सारी चीज़ें वो लिख रहे हैं कि या तो आज़ाद रहकर वरना मौत को गले लगाएंगे, लेकिन मरने से पहले अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो चार तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं कि ये जो चार तस्वीरें हैं, मैं आपको इन चारों तस्वीरों की सच्चाई आज बताने जा रहा हूँ। क्या वाकई में देखिए, पहली तस्वीर देखिए आपने उनकी में देखी होगी, ये न्यूयॉर्क डेली है, इसकी ये तस्वीर है और इसमें डेट पड़ी हुई है अगस्त 20, 2019, और ख़बर क्या है, द US वॉन्ट प्रोवाइड फ्लू वैक्सीन टू माइग्रेंट फैमिलीज एट बॉर्डर डिटेंशन कैंप्स। इससे एक बात क्लियर होती है कि अमेरिका का डिटेंशन सेंटर है ये, और यहाँ ये खबर है, CNBC की खबर है कि ये जो फैमिलीज हैं डिटेंशन सेंटर माइग्रेंट फैमिलीज, इनको फ्लू वैक्सीन US नहीं देगा। तो ये फ़ोटो आप समझिए US का है, आसाम का नहीं है जैसा कि दावा किया गया था उस वायरल पोस्ट में। ये दूसरी तस्वीर है, ये आपने देखी हैदर अली की पोस्ट में, इसमें ही साफ लिखा गया ये अटलांटिक है, द अटलांटिक, और इसमें डेट पड़ी हुई है July 3, 2019, और इसमें ये लिखते हैं कि एन ओवरक्राउडेड फेंस्ड एरिया होल्डिंग फैमिलीज एट बॉर्डर पेट्रोल सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर इज सीन टू स्टिल इमेज फ्रॉम वीडियो इन मैकलन टेक्सास। ये टेक्सास का 11 जून का फोटो है, वहाँ के डिटेंशन सेंटर का हो सकता है जो लोग अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। ये वो है, यानी इसका इंडिया और आसाम से कोई लेना देना नहीं है। एक और जो तीसरी तस्वीर उस सोशल मीडिया पोस्ट में थी वो ये थी, और इस पोस्ट में लिखा हुआ टेक्सास माइग्रेंट डिटेंशन फैसिलिटीज डेंजरसली ओवरक्राउडेड US गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो ये टेक्सास में जो डिटेंशन सेंटर्स हैं ये वहाँ की रिपोर्ट है, और ये पिक्चर लगाई गई है कैसे ही ओवरक्राउडेड हो गए, लोगों को सोने की बैठने की जगह नहीं है। तो ये तस्वीर 2 जुलाई 2019 को शेयर की गई है, गार्जियन पेपर है, बहुत जाना माना पेपर है, और उसमें ये तस्वीरें, इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, आसाम से कोई लेना देना नहीं है। ये चौथी तस्वीर आपने देखी थी, ये इंडियन लगते हैं साफ तौर पे, और दो बच्चे इनकी गोद में हैं, लग रहा है डिटेंशन सेंटर है, उसमें ये बताया गया जैसा रिपोर्ट में। लेकिन इस खबर को हम देखेंगे, वायर की खबर है, ये खबर कह रही है कि आसाम प्रपोज टू चाइल्ड पॉलिसी रिफ्लेक्ट द एंटी माइनॉरिटी एजेंडा एट प्ले अक्रॉस इंडिया। इस खबर का इंडिया से लेना देना है, लेकिन डिटेंशन सेंटर से जुड़ी खबर नहीं है। ये बता रही है कि आसाम में कैसे जो दो बच्चों को वाले माता पिता को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है, इससे ज़्यादा वालों को नहीं, ये कैसे माइनॉरिटी के खिलाफ है, ये खबर इस तरह से है। लेकिन डिटेंशन सेंटर के बारे में जो चार फोटो चिपकाए गए थे, चारों तस्वीरों में दावा किया गया था कि आसाम के डिटेंशन सेंटर की हैं, वो दावा बिल्कुल झूठा है। कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, कुछ फोटोज़ पोस्ट की जा रही हैं कि डिटेंशन सेंटर्स की हैं जो आसाम में हैं। ऐसे में हम ये तो दावा नहीं करते कि भारत सरकार ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बोला है कि वहाँ पर कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया, लेकिन ये पक्का है कि जितनी भी सोशल मीडिया पोस्ट हैं जहाँ पर भी ये तस्वीरें शेयर की जा रही हैं वो बिल्कुल झूठी हैं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इनखबर। थैंक यू, नमस्कार। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।